हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट रेसिपीज़। स्ट्रीट फूड किसको नहीं पसंद है, और मुंबई स्टाइल स्ट्रीट फूड तो सबका फेवरेट है। मुंबई के कई सारे फेमस स्ट्रीट फूड में से एक है ये तवा पुलाव, जो स्पाइसी है, फ्लेवर से भरपूर है और एक कंप्लीट मील भी है। देखिए ना, इसका कलर कितना प्यारा है और ये टेस्ट में उतना ही ज़बरदस्त है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के 1/4 कप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोने रख दिया है। हमने यहाँ पे बैडगी वैरायटी की लाल मिर्च ली है, आप चाहे तो कश्मीरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 1 कप बासमती राइस को अच्छे से धो दिया है और इसे भी 30 मिनट तक भिगोने रख देंगे। अब 30 मिनट के बाद हमने एक पैन में 4 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म होता है इसमें 1/4 टीस्पून नमक और कुछ छींटे तेल की मिला देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आता है हम सोख किए चावल में से पानी को निकाल देंगे और इन्हें उबलते पानी में इस तरह से ट्रांसफर कर लेंगे। हम इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि चावल अच्छे से पक ना जाए। चावल को अच्छे से पकाना है और ये भी ध्यान रखना है कि चावल का हर एक दाना सेपरेट हो, तो ही हमारा पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। हमारे चावल पक चुके हैं, अब हम इसे फ्लेम से निकालेंगे और इसमें से पानी पूरी तरह से ड्रेन कर देंगे और चावल को पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। दूसरी तरफ हमारी लाल मिर्च भी अच्छे से सोख हो चुकी है, हम लाल मिर्च को पानी से निकाल के इस तरह से एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। जिस पानी में हमने लाल मिर्च को सोख किया था उसमें से 2 टेबलस्पून पानी भी हम जार में मिला देंगे। साथ ही में हम 2 टीस्पून लहसुन की कलियां मिला देंगे और 1/2 टीस्पून जीरा भी मिला देंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक स्मूथ फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर देंगे, कुछ इस तरह से। पेस्ट भी तैयार हो चुका है, अब बारी है पुलाव बनाने की। पुलाव बनाने के लिए अगर आपके पास एक आयरन तवा या कढ़ाई हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो एक रेगुलर पैन में भी उसे बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून बटर को हमने गर्म करने रख दिया है, साथ ही में हम इसमें 2 टीस्पून तेल मिलाएंगे। जैसे ये दोनों गर्म हो तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा मिला के उन्हें चटकने देंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम 1/2 इंच अदरक का इस तरह से ग्रेट करके मिला देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर देंगे। अब बारी आती है इसमें 1 मीडियम साइज प्याज को फाइनली चॉप करके मिलाने की, और हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज इस तरह से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। करीबन 2 मिनट तक प्याज को पकाने के बाद अब बारी आती है इसमें 1 मीडियम साइज टमाटर को फाइनली चॉप करके मिलाने की। टमाटर को भी हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। इस स्टेज पे आप चाहे तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, मैं नमक इसी स्टेज पे ऐड करना प्रेफर करती हूँ। हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है और हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम एक छोटी सी कैप्सिकम स्लाइस करके मिला देंगे, साथ ही में 2 टेबलस्पून मटर के भी मिला देंगे और इन्हें भी हम कुक करते जाएंगे। आप चाहे तो इसमें थिनली स्लाइस की हुई गोभी भी मिला सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 2 मिनट इनको पकाने के बाद हम इसमें चिली गार्लिक पेस्ट मिला देंगे जिसे हमने तैयार किया है। आपको जितना स्पाइसी पुलाव पसंद है उस हिसाब से आप चिली गार्लिक पेस्ट इसमें मिला सकते हैं। हमने पूरे चिली गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला भी इसमें मिला देंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि कैप्सिकम और मटर सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून पानी मिला के इसे कुक करना कंटिन्यू कीजिए। हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मिक्सचर को पका लिया है, अब बारी आती है इसमें बॉयल किए हुए वेजिटेबल्स मिलाने की। लगभग 1/2 कप मिक्स वेजिटेबल्स, क्यूब किए हुए पोटेटोस, स्लाइस की हुई कैरेट्स और स्लाइस किए हुए बीन्स को हमने यहाँ पे अच्छे से बॉईल कर दिया है और इसे हम सिर्फ इस तरह से मसाले में मिला देंगे। इसे कुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट है। अगर आपको बॉयल वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप इन्हें स्टीम करके भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स और मसालों के मिक्सचर में पके हुए चावल को मिलाने की बारी आ चुकी है। हम हल्के हाथों से चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि चावल और मसाला एक मेक ना हो जाए और चावल में इस तरह से बहुत अच्छा रंग ना आ जाए। 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें 2 टीस्पून फ्रेश नींबू का रस मिलाएंगे, साथ ही में इसमें हम शाइन के लिए 1 टीस्पून मक्खन का भी मिला देंगे और इनको चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो नींबू के रस की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फाइनली हम इसे 1 टेबलस्पून फ्रेश धनिया पत्ती के साथ गार्निश करेंगे और हमारा तवा पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है।
गर्मा गर्म तवा पुलाव को आप अपने पसंद के रायते के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप चाहे तो पाव भाजी मसाला का प्रमाण और चिली गार्लिक पेस्ट का प्रमाण भी अपने हिसाब से, अपने स्पाइस लेवल्स के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इस स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।